हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। और एक्सरसाइज 4.2 में हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे प्यारे बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप इस चैप्टर में इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 मेथड स्टडी करेंगे। मेथड 1 फैक्टराइजेशन, मेथड 2 जो मेथड होगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों यहां पे हम जिस तरह से चैप्टर 3 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 4 डिफरेंट मेथड स्टडी किए हैं, ठीक इसी तरह से चैप्टर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 मेथड स्टडी करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहां से सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। तो यहां पे अगर आप प्यारे बच्चों चैप्टर 2 को थोड़ा सा रिमाइंड करें, हमारे पास पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था कोई भी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यह लिया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमने इसकी जीरो फाइंड की थी। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम चले थे कि इसका सम इतना होना चाहिए, प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, और लास्ट में एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी थी। तो 2 वैल्यूज आई थी एक्स की। तो यहां से सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन जब हमने फाइंड कर लिया था तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज आई थी। तो वो एक्स इस जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब है कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसमें अगर एक्स की वो वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगी, टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। जैसे हमने इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें 2 चैप्टर में, जैसे सम कितना होना चाहिए इसका, सम हमारे पास -5 और प्रोडक्ट की हम बात करें तो 6 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 6, तो हमने ले लिया 3 और 2 से 6 हो जाएगा, तो -3 और -2 से -5 भी हो जाएगा, प्रोडक्ट 6 हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर -3x -2x+6, एक्स कॉमन एक्स -3 -2 कॉमन, यहां पे एक्स -3 क्योंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स -3 और एक्स -2, एक्स -3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक्स -2 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 आर दी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स आप एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो 0 आएगी। ठीक इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगी। यहां पे जितनी पावर है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा, उतने ही जीरोज हो सकते हैं। अब जिस तरह से हमने यहां पे जीरोज के लिए वर्क किया है, ठीक इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे लिख दें
कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मीनिंग ये है एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक उसी तरह से फिर हम इसी तरह से चलेंगे, यहां पे सम कितना होना चाहिए माइनस फाइव और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए सिक्स इंटू वन सिक्स। तो यहां से माइनस थ्री और माइनस टू मिल जा रहे हैं, हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री माइनस टू कॉमन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री को जब जीरो के साथ इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू थ्री आ गई और एक्स माइनस टू को जब जीरो के साथ इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू टू आ गई। सो एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू टू आर दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू थ्री और x इज इक्वल टू टू सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसका मीनिंग ये है कि हम x की जगह पे थ्री पुट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें x की जगह पे थ्री पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। रख के देखें थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव को थ्री के साथ करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और प्लस सिक्स नाइन और सिक्स फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई। एक्स की वैल्यू टू रख के देखें, टू का स्क्वायर फोर, फाइव के टू के साथ करेंगे टेन तो माइनस के टेन और प्लस के सिक्स टेन माइनस टेन, तो ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो सेटिस्फाई करते। तो यहां से ये जो एक्स के टू वैल्यूज है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इनको ही इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बोलते हैं जीरोस, और इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं रूट्स। तो अब ये जो आए हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये क्या चीज है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनको हम बोलते हैं रूट्स। अब जितनी पावर होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर टू है, तो ज्यादा से ज्यादा टू ही इसके रूट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टू हो सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के लिए बेसिक है, बहुत कुछ वही है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हुए किया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही वर्क अब यहाँ पे रिपीट होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर वन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर वन, इसमें कहा गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर वन है जो इसमें कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है, इसमें
फाइव पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट पे है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन दैट इज जीरो। सेकेंड पार्ट है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। थर्ड पार्ट में है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू दैट इज जीरो। फोर्थ पार्ट में है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू जीरो। और फिफ्थ पार्ट में है हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम बात करें पार्ट वन की, इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। तो यहां पे हमारे पास सम कितना होना चाहिए एक्स के साथ जो टर्मिनल के लिए माइनस थ्री, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए कॉन्स्टेंट पांच माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है तो माइनस टेन। यहां पे आपको सोचना है कि ऐसे ऐसे कोई टू नंबर हमें चाहिए जिनको अगर सम करें तो माइनस थ्री मिले, प्रोडक्ट करें तो माइनस टेन मिले। आप सिंपली पहले प्रोडक्ट के बारे में टेन के बारे में सोच लो, फाइव और टू से हमें टेन मिल जाएगी प्रोडक्ट। हमें सम कितना चाहिए था माइनस थ्री, इस टाइम अगर सम करें तो हम कितना है सेवन सम है। मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो माइनस के फाइव और प्लस का टू तो माइनस के थ्री हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी माइनस टेन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिंपली एक बार फैक्टर सोच ले, कोई भी दो नंबर सोच ले, फिर उसके बाद उनको बैलेंस कर ले, उनके साइन को बैलेंस कर ले। अब यहां पे आप इस माइनस थ्री की जगह पे ये लिख देंगे एक्स लगा के, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन आएगा, यहां से एक्स कॉमन आ गया अंदर आ गया एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस टेन में से टू कॉमन ले लेते हैं यहां एक्स और टू फाइव जब टेन। अब यहां से जो अंदर होंगे दोनों सेम हो गए, तो यहां से फिर एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, ये एक्स प्लस टू हो गया। एक बार हम एक्स माइनस फाइव को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे और एक्स प्लस टू को भी जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। यहां से एक्स की वैल्यू फाइव आ गई और यहां से एक्स की वैल्यू माइनस टू आ गई। तो हमें रूट्स फाइंड कर रहे थे, तो हम लिखेंगे सो फाइव एंड माइनस टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो ये फाइव और माइनस टू ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स एक्स की जगह पे फाइव रखें तो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, एक्स की जगह पे माइनस टू रखें तो भी सेटिस्फाई करेंगे। रख के देखें फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, थ्री की फाइव के साथ फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन और माइनस का टेन, माइनस का ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो, तो ठीक है। माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, यहां पे माइनस टू की माइनस थ्री के साथ करेंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस का फोर प्लस का सिक्स प्लस का टेन और माइनस टेन तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मीन इट मीन्स हमने अपना आंसर वेरीफाई कर लिया जो कि सही है। ठीक इसी तरह से बिल्कुल सेम स्टेप सेकेंड पार्ट के रहेंगे, इसमें है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आपके पास सम होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट वन है और प्रोडक्ट ये आपके पास होना चाहिए माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट टू, तो ये माइनस ट्वेल्व है। तो आप ट्वेल्व सोच लें एक बार और सम वन है, फोर और थ्री के बारे में अगर हम सोचे, फोर और थ्री का सम तो सेवन हो जाएगा, हमें सम वन चाहिए तो हम इसको माइनस का कर देते हैं, प्लस का फोर और माइनस का थ्री तो प्लस वन आ जाएगा, सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से पहले आप एक बार प्रोडक्ट के बारे में सोच लें फिर उसको बैलेंस कर लें साइन को। अब यहां पर इसकी जगह पे हम ये एक्स लगा के लेते हैं,
टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें से कॉमन आएगा और इसमें से कॉमन आएगा, टू एक्स स्क्वायर और फोर एक्स है तो टू भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, यहां सिर्फ एक्स रहेगा, टू एक्स कॉमन आएगा तो सिर्फ टू रहेगा, देखो माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन ले लिया, थ्री और सिक्स है तो थ्री कॉमन ले लिया, अब अंदर दोनों टर्म प्लस के हो जाए, यहां एक्स रह गया और यहां टू आ गया, दोनों सेम आ गए, एक्स प्लस टू और ये टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक बार हम एक्स प्लस टू को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, और एक टू एक्स माइनस थ्री को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये दो वैल्यूज आ गई, यही हमारे पास आंसर है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये सीधा ही लिखे कि माइनस टू एंड थ्री बाई टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये है हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये दो वैल्यू आ गई है हमारे पास इसके रूट आ गए, इन्हीं को इसका सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड, आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें, यहां पे पार्ट थर्ड में हमारे पास है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो, बस आपको रूट देख के घबराना नहीं है, सिंपल कुछ भी नहीं बात नहीं आएगी, सम कितना होना चाहिए सेवन और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए फाइव रूट टू की रूट टू के साथ करेंगे, रूट टू की रूट टू के साथ करेंगे, रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू कितना हो जाता है टू हो जाता है, तो फाइव की टू के साथ ये हमारे पास टेन हो जाएगा, रूट टू की रूट टू के साथ कितना टू बनेगा, तो फाइव की टू के साथ करें टेन, अब सम सेवन और प्रोडक्ट टेन बिल्कुल आसान, सबसे आसान फाइव और टू सेवन और मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो, अब रूट टू एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स में से तो एक्स कॉमन है, यहां पे आ गया रूट टू एक्स और यहां पे आ गया फाइव प्लस इससे तो ले लिया, अब यहां पे आप देखो, देखो यहां पे टू है और यहां पे रूट टू है, टू के अंदर कितने रूट टू होते हैं टू होते हैं, टू के अंदर ये रूट टू इंटू रूट टू होता है, तो इस टू में से एक रूट टू कॉमन ले लिया और यहां से रूट टू कॉमन आ गया, तो रूट टू जब कॉमन लिया तो टू में से एक रूट टू कॉमन ले लिया तो एक बच गया, यहां पर रूट टू रह गया एक्स रह गया और प्लस फाइव ये रूट टू कॉमन में चला गया, अब देखो दोनों सेम हो गए, अब रूट टू एक्स प्लस फाइव ये हमने कॉमन ले लिया और ये एक्स प्लस रूट टू आ गया, अब हम क्या करेंगे रूट टू एक्स प्लस फाइव को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं और एक्स प्लस रूट टू को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाय रूट टू और यहां से एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट, इसको जब नीचे रूट होता है तो कई बार रैशनलाइज भी कर देते हैं, मीन्स यहां पे एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाय रूट टू, यहां पे रूट टू और यहां पे भी रूट टू, तो ये माइनस फाइव रूट टू डिवाइड बाय टू हो जाएगा, आपकी मर्जी है ये लेना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाय रूट टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू आर दी रिक्वायर्ड रूट्स, शॉर्ट में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि उसने रूट्स पूछे थे ना तो हमने कह दिया कि ये वो रिक्वायर्ड रूट है, कौन कौन, एक तो माइनस फाइव डिवाइड बाय रूट टू ये भी कह सकते हैं आप इसकी जगह पे और एक माइनस रूट, तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड, इसी तरह से अगर पार्ट फोर की बात करें तो ये है टू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन बाय एट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये टर्म डिवाइडेड है यहां पे, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचा लेते हैं, ज्यादा इजी फॉर्म में पहुंचा लेते हैं। हम एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय ए वी गेट, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये ज्यादा बेटर फॉर्म है इसकी वजह। अब देखिए आप सम कितना होना चाहिए, माइनस 8, और प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 1 की और 16 के साथ करेंगे तो 16। अब देखो 4 की 4 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा, सम 8 बनेगा, माइनस 8 है तो दोनों के आगे माइनस लगा देते हैं, माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 हो गया और मल्टीप्लाई की तो प्लस हो गए फिर, तो ठीक है हमारे पास। तो हम लिख देंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो 16 और 4 से 4 भी कॉमन है और एक x भी कॉमन है, यहां 4x माइनस 1। अब यहां पे आप देखो ये माइनस 4x प्लस 1 है, तो इसमें से अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो ये अंदर 4x प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा। आप सिंपली माइनस भी लिख सकते हैं और माइनस 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ब्रैकेट के बाहर आप माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए ना, ये और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब आप देखेंगे 4x माइनस 1 कॉमन आ गया। देखो अगर आपके पास 3x प्लस 3 है और आप इसमें से 3 कॉमन ले लो तो यहां से तो एक्स आ जाएगा, प्लस 3 बाहर चला गया तो यहां 1 आ जाएगा। अब आप देखो ये कॉमन है आपके पास, तो ये बाहर चला गया तो यहां से तो 4x बच गया माइनस, जब ये सारा ही बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 आ गया, तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। तो आप चाहे तो यहां पे माइनस 1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज 1 बाय 4, 4x इज इक्वल टू 1, x इज 1 बाय 4। इट मीन्स इसके दोनों जो रूट है वो सेम है, जो रूट्स है वो इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 1 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 1 बाय 4 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। तो ये इसके रिक्वायर्ड रूट्स है, सिंपली आप लिख सकते हो कि 1 बाय 4 एंड 1 बाय 4 आर दी रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 5 की, तो यहां पे पार्ट 5 में भी ऐसी कुछ नई बात नहीं आएगी, सेम ही रहेगा। ये हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फोर्थ पार्ट जैसे ही बने हैं कुछ। सम हमारे पास कितना होना चाहिए, माइनस 20, और प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए 1 × 100 यानी के 100। 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, लेकिन सम इनका 20 बनेगा, हमें माइनस 20 चाहिए तो दोनों का आगे माइनस लगा दिया, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20 प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 100। तो लिख लेते हैं x की जगह पे, तो ये हो गया 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से बिल्कुल सेम फोर्थ जैसे ही है, यहां से अगर हम 10x कॉमन ले लेते हैं, ये 100 है ये 10 है तो 10 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो ये 10x माइनस 1 आ गया। देखो ये 10x माइनस 1 है, ये माइनस 10x और प्लस 1 है, तो यहां से माइनस बाहर निकाल दे तो ये 10x माइनस 1 हो जाएगा। अब 10x माइनस 1 यहां पे भी और यहां पे भी कॉमन ले लिया, यहां पे 10x रह गया, ये सारा बाहर चला गया तो यहां 1 आ गया, माइनस तो यहां निकल ही पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज 1 बाय 10, 10x इज 1, x इज 1 बाय 10। तो यहां पे भी जो बोथ रूट्स है वो इक्वल है, सो 1 बाय 10 एंड 1 बाय 10 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। तो बहुत सारे तरीके होते हैं पहले बच्चों, एक बात को लिखेंगे,
यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/10 और 1/10 इसके रूट्स हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो इसके सारे पार्ट्स करवाने की कोई विशेष जरूरत नहीं थी, लेकिन ये टॉपिक ही इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से इसके सारे पार्ट्स करवाए गए। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ के साथ साथ एक्सरसाइज 4.2 या चैप्टर सेकंड की बात करें तो यहां तो चले गए, और दूसरे टॉपिक्स के बीच में भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है सोल्व करते हुए कि हम उसको सोल्व करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं उस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर ये जो टॉपिक है वो बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।